श्री राधा रानी चरणारविंद राधा रानी जी का चरण आठ मंगल चिन्हों से अलंकृत है शंख गिरी रथ मीन शक्ति अस्त्र गदा यज्ञ कुंड रत्न कुंडल के मूल पर एक शंख है दूसरी एवं मध्यम अंगुली के नीचे एक गिरी है गिरी के नीचे मध्य में एड़ी की ओर एक रथ है और एड़ी पर एक मीन है रथ के समीप पावों के भीतरी किनारे पर एक शक्ति अस्त्र है रथ के दूसरी ओर पावों के बाहरी किनारे के निकट एक गदा है कनिष्ठा के नीचे एक यज्ञ कुंड है और उसके नीचे एक रत्न कुंडल है वन शंख शंख विजय का प्रतीक है यह बताता है कि राधा गोविंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले व्यक्ति सदैव दुख से बचे रहते हैं और अभय दान प्राप्त करते हैं टू गिरी यह बताता है यद्यपि गोवर्धन की गिरिवर के रूप में व्रज में सर्वत्र पूजा होती है तथापि गिरी गोवर्धन विशेषकर राधिका की चरण सेवा करते हैं थ्री रथ यह चिन्ह बताता है कि मन रूपी रथ को राधा के चरण कमलों में लगाकर सुगमता पूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है फोर मीन जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती उसी प्रकार भक्तगण क्षण भर भी राधा श्याम सुंदर के चरणाम्बुजो के बिना नहीं रह सकते शक्ति यह एक भाले का द्योतक है जो व्यक्ति राधा जी की शरण ग्रहण करता है उनके लिए श्री राधा के चरण प्रकट होकर सांसारिक जीवन के सभी अप्रिय बंधनों को राधा के चरण पापमय काम रूपी हाथी को प्रताड़ित कर सकते हैं सेवन होमकुंड यह घोषित करता है कि राधा के चरणों का ध्यान करने वाले व्यक्ति के पाप इस प्रकार भस्म हो जाते हैं मानव वे वेदी में विद्यमान हो कुंडल श्री कृष्ण के कर्ण सदा राधा जी के मंजुल नुपुरो की ध्वनि और उनकी वीणा के मादक रागों का श्रवण करते हैं राधा रानी जी का बायाचरण ग्यारह शुभ चिन्हों से अलंकृत है जो, चक्र छत्र कंकण रेखा, कमल ध्वज सुमन पुष्पलता अर्धचंद्र अंकुश पादांगुष्ठ के मूल पर एक जौ का दाना है उसके नीचे एक चक्र है उसके नीचे एक छत्र है और उसके नीचे एक कंकण है एक ऊर्ध्व रेखा पावों के मध्य में प्रारंभ होती है मध्यमा के नीचे एक कमल है और उसके नीचे एक ध्वज है ध्वज के नीचे एक सुमन है और उसके नीचे पुष्पलता है एडी पर एक चारो अर्धचंद्र है कनिष्ठा के नीचे एक अंकुश अंकित है वो जौ का दाना जौ का दाना व्यक्त करता है के भक्त जन कृष्ण के पादारविंदों की सेवा कर समस्त भोगों का ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं एक बार उनका पदाश्रय प्राप्त कर लेने पर भक्त की अनेकानेक जन्म-मरण की यात्रा घटकर जो के दानों के समान बहुत छोटी हो जाती है तो चक्र यह चिन्ह सूचित करता है कि राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान काम क्रोध लोभ मोह मद और मातसर रूपी छह शत्रुओं का नाश करता है ये तेजस तत्व का प्रतीक है जिसके द्वारा राधा गोविंद भक्तों के अंतकरण से पाप तिमिर को छिन्न भिन्न कर देते हैं थ्री, छत्र छत्र यह सिद्ध करता है कि उनके चरणों की की शरण ग्रहण करने वाले भक्त कष्टों अविराम वर्षा से बचे रहते हैं फोर कंकण राधा के चरण सर्वदा कृष्ण के हाथों में रहते हैं जब वे मान करती है तो कृष्ण शरण दबाते हैं जिस प्रकार कंकन सदा हाथ में रहता है फाइव ऊर्ध्व रेखा जो भक्त इस प्रकार राधा श्याम के पद कमलों से लिपटे रहते हैं मानो वे उनकी जीवन रेखा हो वे दिव्य धाम को जाएंगे Six, कमल सरस सरसिज़ राधा गोविंद के चरण बिंदु का ध्यान करने वाले मधुकर सदृश भक्तों के मन में प्रेम हेतु लोभ उत्पन्न करता है सेवन ध्वज ध्वज उन भक्तों को भय से बचाता और सुरक्षा करता है जो उनके चरण सरसिज का ध्यान करते हैं विजय का प्रतीक है एक, पुष्प दिखाता है कि राधा जी के चरणों की दिव्य कीर्ति सर्वत्र एक सुमन सौरभ की भांति फैलती है नाइन पुष्पलता यह चिन्ह बताता है कि किस प्रकार भक्तों की इच्छा लता तब तक बढ़ती रहती है जब तक वह श्री राधा जी के चरणों की शरण ग्रहण नहीं कर लेती तय अर्धचंद्र यह बताता है कि जिस प्रकार शिवजी जैसे देवताओं ने राधा गोविंद के चरणाविंदों के तलवों से अपने शीश को शोभित किया है इसी प्रकार जो भक्त इस प्रकार राधा और कृष्ण के पदांबुजों द्वारा अपने शीश को सुसज्जित करते हैं वे शिव जी के समान महान भक्त बन जाते हैं अंकुश अंकुश इस बात का द्योतक है कि राधा गोविंद के चरणों का ध्यान भक्तों के मन रूपी गज को वश में करता है उसे सही मार्ग दिखाता है इस प्रकार राधा रानी के चरणों में अंकित उन्नीस मंगल चिन्हों का नित्य स्मरण किया जाता है जय जय श्री राधे